नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन अर्निंग स्टोर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको नोवोपे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। नोवोपे डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, नोवोपे का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, नोवोपे डिस्ट्रीब्यूटर को कौन से ट्रांजेक्शन पे किस ट्रांजेक्शन पे कितना कमीशन मिलता है, नोवोपे का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, कितना आपको नोवोपे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने के लिए खर्चा आएगा, और आप अगर से नोवोपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अगर से लेते हैं, आप अगर से नोवोपे का डिस्ट्रीब्यूटर अगर से बनते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नोवोपे के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर से नोवोपे का डिस्ट्रीब्यूटर अगर से बनते हैं तो आपको कौन से ट्रांजेक्शन पे कितना कमीशन मिलेगा। तो आप अगर से नोवोपे का डिस्ट्रीब्यूटर अगर से बनते हैं और आपके अंडर में आप एक रिटेलर क्रिएट अगर से करते हैं और आपका रिटेलर 1000 से लेके 3000 के बीच में किसी भी तरह का EPS का ट्रांजेक्शन अगर से करता है तो उस पर आपको ₹1 का कमीशन मिलेगा, जिसमें से कि आपका TDS भी माइनस होगा। उसके बाद आपका रिटेलर 3000 से ऊपर EPS का ट्रांजेक्शन अगर से करता है तो उस पर आपको ₹1.25 का कमीशन मिलेगा और उसमें से आपका TDS माइनस होगा। और आपका रिटेलर अगर से 200 से लेके 999 तक EPS का किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन अगर से करता है तो उस पर आपको कमीशन नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोवोपे के डिस्ट्रीब्यूटर को डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर पर कितना कमीशन मिलता है। तो आपका रिटेलर अगर से खुद के वैलेट में अगर से ऐड मनी अगर से करता है और उस ऐड मनी के पैसे को अगर से यूज करके डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर अगर से करता है तो उस पर आपको 0.20% का कमीशन मिलेगा। मतलब कि आपका रिटेलर अगर से उसके वैलेट में ऐड मनी करता है और 1000 के ऊपर अगर से मनी ट्रांसफर करता है तो 1000 के डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के ट्रांजेक्शन पर आपको ₹2 मिलेगा। और आपका रिटेलर अगर से खुद के वैलेट में ऐड मनी अगर से करता है और ₹1,00,000 का अगर से वो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर अगर से करता है तो उस पर आपको ₹200 का कमीशन मिलेगा। और आपका रिटेलर अगर से EPS के जरिए अगर से कैश विड्रॉल करता है और उस पैसे को यूज करके डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर अगर से करता है तो उस पर आपको 0.05% का कमीशन मिलेगा। मतलब कि आपका रिटेलर EPS के जरिए कैश विड्रॉल करेगा और उस पैसे को मनी ट्रांसफर के लिए अगर से यूज करेगा तो आपका रिटेलर 1000 का अगर से मनी ट्रांसफर करेगा तो उस पर आपको 50 पैसे का कमीशन मिलेगा। और आपका रिटेलर अगर से EPS के जरिए कैश विड्रॉल करेगा और 1,00,000 का अगर से डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करेगा तो उस पर आपको ₹50 का कमीशन मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नोवोपे डिस्ट्रीब्यूटर को रिचार्ज पे कितना परसेंट कमीशन मिलता है। तो नोवोपे डिस्ट्रीब्यूटर को रिचार्ज पे 0.15% का कमीशन मिलता है। मतलब कि आपका रिटेलर अगर से 1000 का अगर से रिचार्ज अगर से करता है तो उस पर आपको 1.5% कमीशन मिलेगा। मतलब कि ₹1,00,000 का आपको उस पर कमीशन मिलेगा। और आपका रिटेलर अगर से 1,00,000 का अगर से रिचार्ज का अगर से ट्रांजेक्शन अगर से करता है तो उस पर आपको ₹150 का कमीशन मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोवोपे डिस्ट्रीब्यूटर को BBPS पर कितना परसेंट कमीशन मिलता है। तो नोवोपे के डिस्ट्रीब्यूटर को BBPS पर 0.25% का कमीशन मिलता है। मतलब कि आपका रिटेलर अगर से किसी भी तरह का अगर से BBPS का ट्रांजेक्शन अगर से करता है तो नोवोपे डिस्ट्रीब्यूटर को 0.25% का कमीशन मिलेगा। मतलब कि आपका रिटेलर अगर से BBPS का किसी भी तरह का 1000 का अगर से ट्रांजेक्शन अगर से करता है तो उस पर आपको ₹2.5 का कमीशन मिलेगा 1000 के ट्रांजेक्शन पर। और आपका रिटेलर अगर से 1,00,000 का अगर से BBPS का ट्रांजेक्शन अगर से करता है तो उस पर आपको ₹250 का कमीशन मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोवोपे के डिस्ट्रीब्यूटर को CMS पर कितना परसेंट कमीशन मिलता है। तो नोवोपे के डिस्ट्रीब्यूटर को CMS पर 0.15% का कमीशन मिलता है। मतलब कि 0.15% का कमीशन मिलता है।
आपका रिटेलर अगर से 1000 का अगर से CMS का ट्रांजेक्शन अगर से करता है तो नो पे के डिस्ट्रीब्यूटर को उस CMS के ट्रांजेक्शन पर 1.5 रुपये का कमीशन मिलेगा। और आपका रिटेलर अगर से 1 लाख का अगर से CMS का ट्रांजेक्शन अगर से करता है तो उस CMS के ट्रांजेक्शन पर नो पे के डिस्ट्रीब्यूटर को 150 रुपये का कमीशन मिलेगा। और आपका रिटेलर अगर से EPS के जरिए कैश विड्रॉल अगर से करता है और उस पैसे का अगर से CMS का ट्रांजेक्शन अगर से करता है तो उस टाइम पर आपको 0.05% का कमीशन मिलेगा, मतलब कि 0.05% का कमीशन मिलेगा। आपका रिटेलर अगर से 1000 का CMS का ट्रांजेक्शन करेगा तो उस टाइम पर आपको 50 पैसे का कमीशन मिलेगा। और आपका रिटेलर अगर से 1 लाख का CMS का ट्रांजेक्शन अगर से करेगा तो नो पे के डिस्ट्रीब्यूटर को उस ट्रांजेक्शन पर 50 पैसे का कमीशन मिलेगा। तो यह पूरा कमीशन मिलता है नो पे के डिस्ट्रीब्यूटर को। अब मैं आपको बताता हूँ कि नो पे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर ID के लिए आपको कितना खर्चा आएगा। तो अभी तक कंपनी क्या कर रही थी कि नो पे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी किसी को अगर से लेना रहता था तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से 2500 रुपया लेते थी और यह 2500 रुपया एक डिपॉजिट अमाउंट था और यह एक रिफंडेबल अमाउंट था, मतलब कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 2500 रुपये देकर डिस्ट्रीब्यूटर बनता था नोवो पे कंपनी का और जब भी वह डिस्ट्रीब्यूटर काम छोड़ देता था तो वह 2500 रुपया आपको रिटर्न मिल जाता था। लेकिन अभी के टाइम पर लॉकडाउन के तहत नोवो पे कंपनी ने एक स्कीम निकाला है जिस स्कीम के द्वारा फ्री में नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हो। तो आप अगर से अभी के टाइम पर इस मंथ में अगर से नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर अगर से बनना चाहते हैं तो आपको नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ इस मंथ के लिए ही है। तो आपको अगर से नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर अगर से बनना है तो इस महीने में आप नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में ले सकते हैं या फिर इस महीने में आप नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नो पे डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने। तो आपको अगर से नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन अगर से करना है या फिर आपको अगर से नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर अगर से बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप मुझे व्हाट्सअप करके या फिर आप मुझे कॉल करके आप मुझसे नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इस महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना है तो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप मुझसे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे चैट करके मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट इस महीने में नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको नो पे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पूरी जानकारी दी है। अभी आप मुझे नीचे कमेंट्स के माध्यम से ये जरूर से बताओ कि आप कौन से कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपके पास है और उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपने क्यों लिया, क्यों उस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो। नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे आप प्लीज करके जरूर से बताओ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज करके लाइक करो। आपके दिल में जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लीज करके जरूर से बताओ। और अभी तक आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया है ना तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल।